इसलिए कृष्ण मुझे गलती नहीं समझेंगे, ये कंस भेजा मेरा दुश्मन, ऐसे नहीं समझेंगे। कृष्ण मुझे आदर करेंगे, आलिंगन करेंगे, अच्छे अच्छे खिलाएंगे, बहुत कुछ मन में सोचा है। जगदीश भवरा जो सिद्धि भवती तदेश, जैसे धवरा से सिद्धि होता है। जब वहां पहुंचा कृष्ण का चरण चिन्ह देखा, देखिए कूद के गिर के एकदम श्री लटपट कर दिया प्रेम में अष्ट शक्ति विकार। धीरे धीरे नंदाना भी पूछा, कृष्ण ने देखिए स्वागत किया, पूजा किया, पितृव्य बहाय, फिर आलिंगन भी किया, और अच्छे अच्छे वस्तु खिलाया। नंद महाराज जी बहुत स्वागत किया, जो जो दिल में उन्होंने उनका भीतर में आकांक्षा थी सारा आकांक्षा पूर्ति। अभी कृष्ण कहते क्या बात है, किस लिए? कहते ऐसी ऐसी बात है, वंश का इस प्रकार मतलब है कि आपको वर्ण क्रीड़ा में निमंत्रण करने के लिए मुझे भेजा, आप दोनों को कुबेर पर हाथी से मारेंगे। जो हाथी नहीं मार सकेगा, चारुर मुष्टिक जो है, चारुर मुष्टिक उनके द्वारा लड़ाई करते कुश्ती लड़ते तो मार एक चाहिए। मुस्कुराए, ठीक है, सबको निमंत्रण किया, नंद महाराज, प्रसन्ना देवी आओ, जितना है वहां पर सब जाने के लिए तैयार हो गए। सब गोपी सब चिंता करते, ये क्रूर, ये क्रूर है, कपट, हमारा प्राण से प्यारा बने बजा रहा है, हम लोग बाधा नहीं दे रहे, इन लोग बिगड़ गया। बोले जब बाधा नहीं दिया, कृष्ण जा रहा है, रथ चला दिया, तब पागल का बाप एक वृंदावन, थोड़ा दिन वृंदावन में था, जब दूर चला गया, लेकिन जो ट्रेन देते हैं उसे देखा जाता है, जो बच्चे से नहीं देखते, कालिया द्रावि कालिया कालिया जो है वो भी नहीं देखा जाता, लेकिन स्वरूप में सारी है नित्य लीला हो रहा है। अभी यहाँ पर पूरा आके क्या किया, रात ने बैठा रहा कृष्ण बलराम स्नान किया, कृष्ण और राम उतार के आचमन किया, आचमन करके ऊपर पूरा किया और गोकुल भुक्की लगाया, भुक्की लगाया अंदर में देखते है पानी का अंदर में कृष्ण बोला, तो समझे कृष्ण बोला तो रात में देखा पानी का अंदर में कैसा है, आश्चर्य हो गया, और उठ के देखता है रात में बचा है, वो मैं गलती देखा, देव है अनंत देव का भोग पर वसुदेव है चतुर्भुज, उनको लक्ष्य के बढ़ाओ सब जितना चलता है मनुष्य सब शिला डाला, it is not possible to speak everything in English in detail. This is Okuru Ghat. Ghat is road. It belongs to Yadubansh. Yadubansh is Krishna's Bansh. You have got relation with Krishna.
whatever you lose is Bakru, Pitribha, paternal uncle. This is a mundane relationship. But Bakru actually is the devotee of Sri Krishna. But the relation is Sri Krishna sees him as a respected person.
whatever is desired, all are fulfilled only that Krishna and Balaram Nanda Maharaj. And when returning, the gopis, they abstracted. The happening was in Vrindavan. After Prabhu, Bhavan, Nanda Maharaj and other gopis, they stayed for some time in Vrindavan. Because of their oppression and hostilities, how then they went? भातरोड मंदिर है, ये यज्ञ पत्नियों का स्थान है। अभी श्री गुरु महाराज जी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बैठ के फिर यहाँ का महात्म हम लोग श्रवण करेंगे। भत्रोल मंदिर, भत्रोल मंदिर। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
पड़ला बाबा मंदिर तो पड़ला बाबा मेरा हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा है संस्कृत। हमारा भारत का राष्ट्रभाषा कौन है? भारत का जो है सिर्फ हिंदी में बोलेंगे, बंगाली देख लेना, किताब देख लेना, नहीं समझेगा। अभी यहाँ पर लीला हुआ है, स्थान भगवान दिखाया, बाहर का कोई गुण से भगवान को उल्टा होता है। भगवान खोज सेवा देने की इच्छा करने से भी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन चाहे उसका बाहर का कोई गुण नहीं रहो, चाहे वो शूद्र हो, चंदन में हो जाए, जो भक्ति हो उसे भक्त रसम से भक्ति इसमें तो भक्ति नहीं तुम्हें जाएंगे। आप अभी कृष्ण सखाओं को लेकर जंगल में जाती बन गए, गाय बच्चाओं को लेकर नजदीक में जाते तो माँ बाप को बोल देते हम लोग वापस आके खाए, साथ में कुछ खाना नहीं मिलता। ग्वाल वालों को बोल देते आप खाना नहीं मिलते, हम लोग वापस आके खाए। दूर में जाते हमारा साथ में रास्ते में कुछ तरह खा ले। एक दिन कृष्ण बोला कर रहे ग्वाल बालन को, आज हम लोग नजदीक जाए घर में वापस आके खाए। माँ बाप को ऐसे बोल दिया। उस दिन क्या हुआ, वो नंदग्राम है ना, वहां से चलते चलते वृंदावन के पास बहुत दूर आ गया। तो दोपहर हो गया, ग्वाल बालन को भूख लगा। ग्वाल बालन का कृष्ण का जो भक्ति है, भक्ति तो प्यार है, ऐसा प्यार है, ये हमारा दोस्त ईश्वर कंधा पर चढ़ते कंधा पर चढ़ाते, ये ऐसा दोस्त है, अच्छा दोस्त जो उसको मांगा जाए उसको, इसमें कोई तकलीफ होने से कराया तो तकलीफ
सभी तो दोस्त है, और को बोलो कराए को तंग कर देना खाना कन्हैया बोला आज तो साथ में खाना नहीं लाया दे। बच्चे लोग क्या करते जब भूख लगता है माँ बाप को खाना दे, अभी नहीं होगा तो देर में होगा बजट से खरीद के लाएगा तो चिल्ला पड़ेगा, इतना समझता नहीं क्या करना पड़ेगा, खाना देना ही पड़ेगा, वो तो समझता ही नहीं। बच्चा लोग समझता नहीं, खाना जब तंग करने लगा देव 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 कन्हैया देखा बहुत मुश्किल हो गया, तो क्या करे। देखो नजदीक में ब्राह्मण सब हवन कर रहा है, हवन कर रहा है, वहां पर बहुत खाने का सामग्री रखा, तुम लोग वहां जाओ मांगने से मिल जाए, हम लोग का नाम लो कृष्ण बलराम भूखा है साथ में खाना नहीं लाया, हम लोगों को भेजा है आप खाना, हम लोग खाने का अपनी भिक्षा दी, हम लोग का नाम बोलने से रुपये, छोटा छोटा बच्चा है ना, बाल बाल है, हाथ में लच्छी है, छोटा हाथ में कपड़ा है, बच्चा चला थे वो ढूंढते 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 हाँ अरे ठीक बात है, यहाँ पर तो कृष्ण दूर में है और जहाँ पर हवन किया वो दूर में है, वहां से आया जहाँ पर कृष्ण है वहां से चला गया हवन का स्थान, वो चंद्रा तब देखे हवन हो रहा है ब्राह्मण से हवन कर रहा है, देखा बहुत खाने का सामग्री है। ठीक बोला तो सामने में गया देखा वो लोग हवन कर रहा है कृष्ण का नाम ले, अरे तो कन्हैया का नाम ले रहा है, कृष्णाय स्वाहा गोविंदाय स्वाहा बलदेवाय स्वाहा, कृष्ण बलराम उनका नाम ले रहा है, यहाँ तो मांगने से मिल जाए अपना वो सामने है, कृष्ण बलराम भूखा है साथ में खाना नहीं लाया, हम लोग तो भेजा है हम लोग खाने का चीज भिक्षा दीजिए, ब्राह्मण सब देखे कहाँ से भिखारी आया, छोटा छोटा बच्चा लोग हम लोग हवन कर रहे तंग कर रहे हैं, उनको बढ़ने का नहीं देखे, कृष्णा स्वाहा बलदेवाय स्वाहा गोविंदाय स्वाहा, तो कर्म कांड कैसे भगवान खूब भक्त को भेज दो उसमें उनका रुचि नहीं है, श्वा श्वा कर रहे बहुत चिल्लाने लगा सुनता ही नहीं, सब वापस आ गया, आके कहते कन्हैया बहुत भूख लगा खाना जी, अरे तुम लोग ब्राह्मण के पास नहीं गया, हाँ गया वहां पर खाना नहीं था बहुत था दिया नहीं, नहीं दिया हम लोग का नाम लिया कि नहीं, तुम लोग का नाम लेके बार बार सहा सहा कर रहा है, कितना तुम्हें हम बोला बोल तो बेगा ही नहीं देता, ऐसी बात में फिर जाओ वहां पर जहां पर ब्राह्मण सब हवन कर रहा है नजदीक में बहुत कुटिया है और ब्राह्मण पत्नी सब है, तुमको सड़क प्यार कर उनके पास जाके मांगो मिल जाए, फिर जाओ फिर आया आगे देखते जहां पर ब्राह्मण सब हवन कर रहा है नजदीक बहुत कुटिया है अभी देखा नहीं जाता है, वो तो थोड़ा दूर में है ना, यहाँ पर तो भजन हुआ यहाँ पर कृष्ण वो स्थान है नजदीक में होगा, कहा भी प्रेम नेत्र से देखा जाता है, नेत्र से नहीं देखा जाता हाय कुटिया हमर हो रहा है, तो लोग वहां पर गया उस वक्त स्त्री लोग बाहर नहीं जाती थी,
हम लोग भी बचपन में नहीं देखा, ये तो 50-60 का साल के अंदर में बहुत परिवर्तन हुआ। बचपन में हम लोग देखा स्त्री लोग बहुत घर में रहते थे, बाहर से नहीं घूमते थे अभी का बाकी। अभी तो कलकत्ता शहर में रास्ते में चलने के लिए मुश्किल है, स्त्री लोग बहुत ज्यादा चलती है, हम लोग को धक्के में आके गिरा देगा। स्मार्ट पहले ऐसे नहीं था, हम लोग तो देखा नहीं, और तो दामोद में तो बहुत स्ट्रिक्ट था, बचपन में हम लोग नहीं देखा। कोई विशेष पितृ स्थानीय व्यक्ति पति किसी का परमिशन बगैर कोई नहीं जाते थे बाहर। अभी तो उनका शादी में वही प्रधानमंत्री और सब कुछ है, पहले से नहीं था। अभी मैं देखा बचपन में, ये बड़ा याद है, जब चाची सिलाई करती थी तो उस वक्त मेरा साथ कुछ बात कर, मैं तो बच्चा था, क्या बात का याद नहीं है। वो बोलती थी, हम भी बोलते थे ऐसा। अचानक कोई आ गया, पिता का स्थानीय कोई व्यक्ति आ गया होगा, हमारा भी याद नहीं है। वो घूंघट को यहाँ से लेके यहाँ लगा दिया, मिट्टी में लगा दिया, कहाँ पर था यहाँ से। हम देख के हमें हैरान किया हो गया, बेटे उसको घूंघट को उठाया तो हमको थप्पड़ लगा, ये क्या हो गया। अभी तो घूंघट उठते 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 है शादी होने से घूंघट रहते ऐसे। हम लोग बंगला में घूंघट नहीं से उठकर शादी नहीं हुआ, सिंदूर मत। उस वक्त तो बहुत स्ट्रिक्ट था, जब वहां पर गया घर का आदमी किसी को देखता नहीं, अरे क्या हो गया, घर का आदमी कोई हाई की नहीं, चिल्लाने लगे बच्चा लोग तो घर में आए घर में आए। तो बच्चों को ऊपर माता जी का थोड़ा प्यार होता ना, ये छोटा छोटा बच्चा शोर मचाते कहां से आए, तो खिड़की के पास आ गया तब देख लिया, जब देख लिया उनके सामने में कृष्ण भगवान भूखा है, साथ में खाना नहीं लाया, हम लोग को भेजा है, हम लोग खाने का चीज शिक्षा दीजिए, जो कृष्ण शिक्षा दिया उसको याद कर लिया, बोल दिया। तब जागी पत्नी जो है बहुत दिनों से कृष्ण दर्शन करने में तड़प रही थी, अरे कृष्ण बिहार बाहर निकल गए, तुम लोग क्या बोलते हो, कृष्ण भगवान भूखा है, साथ में खाना नहीं आया, हम लोग को भेजा है, खाने का चीज भिक्षा दी, कहाँ है, यहाँ है। अभी हम लोग बहुत दिनों से हम तड़प रहे हैं। उस वक्त पति के आदेश से इधर से उधर नहीं जा सकते, घर का अंदर असुर जम पश्चा और पति निर्णय से पुत्र का दिन जन्म होने से पिता माता का दिन करना है, ऐसे व्यवस्था था। उस वक्त जब पति को छोड़ के चला जाए तो पति उनको छोड़ देगा, छोड़ने से उनका कोई सहारा ही नहीं रहेगा, इतना समाज का बहुत कट्टर व्यवस्था था। उस वक्त की बात चिंता करनी, अभी का बात नहीं चिंता करना, अभी तो सब ढीला हो गया, अभी पत्नी पति हो गया पति का हुकुम से पति को चलने वाला नहीं, उस बारे से नहीं था। अभी वो लोग बाहर निकल गया, खाना तैयार करेंगे फिर ले जाएंगे, कृष्ण भगवान जो भाग जाए तो जो खाना तैयार है उसको लेके चल दिया। ब्राह्मण सब आश्चर्य हो गया, अरे कोई देखा ही नहीं, हम लोग क्या आज्ञा छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, ब्राह्मण सब खड़ा हो गया, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो ब्राह्मण को प्रणाम किया, अपना अपना पति को, आप लोग तो हमारा पूज्य है, लेकिन आप लोग का मुखार नीचे सुना ये संबंध थोड़ा नाशवान है, परम पति तो कृष्ण है, कृष्ण भूखा है, कृष्ण बलराम भूखा है, उनका भक्तों को भेज दिया,
हमने बहुत दिनों से तड़प रहा है कृष्ण भगवान का दर्शन करने, इसलिए आप सम्मति दीजिए हम लोग कृष्ण भगवान दर्शन करने को जाए। घर का बहू हो गए, ब्राह्मण का बहू हो गए, जंगल में जाओगे हम वापस जाओका होगा कि नहीं मालूम नहीं। देखो हम लोग का आज्ञा खिलाफ करके जाओगे तो एकदम जाओ और वापस बताओ। द्रौपदी छोड़ दे रहे थे उनका पूछा है कैसे अहित की भक्ति है अभी के जमाने का मत सोचिए। पति के आज्ञा को खिलाफ करके जाना मामूली बात नहीं, आत्मा का अहित की भक्ति ठीक है हम लोग वापस नहीं। एक ब्राह्मण को ब्राह्मण जबरदस्ती पकार के घर का अंदर में घुसा के बाहर में दरवाजा बंद कर दिया, वो तड़पने लगा। मेरा शौकिया हो रहा है उनका कितना सौभाग्य है कृष्ण भगवान का, मैं दुर्भाग्य रोती रोती अपना प्राण छोड़ दिया, शरीर पर आत्मा चला गया, उसको भी रोक नहीं सका। वही तो अप्रत्याता वहां जाके जब पहुंचा कृष्ण भगवान बहुत प्यार से खिलाया, सखाओ में खिलाया, क्या खाने का चीज है वो ज्यादा कीमत नहीं है, प्यारी कीमत। अभी एक धनी व्यक्ति बहुत दोस्तों को निमंत्रण किया, उसमें उनका गरीब दोस्त भी है वो भी गया, उनके ऊपर ध्यान ही देने नहीं देते, वो अपना बराबर जो है उनका उसमें ध्यान देते। तो गरीब दोस्त मैं यहाँ पर खाने के लिए आया हूँ, मेरे से बात ही नहीं करते, मैं लालसा के लिए नहीं आया। उनका वो अच्छा अच्छा खाना जौहर के बाग बनो, वहां से भागने के लिए इच्छा, वहां जरूरत नहीं, लेकिन अपना गरीब दोस्त एक जला हुआ रोटी दे तब भी प्रेम से खाने, आदमी प्रेम चाहता है, वस्तु को पर वस्तु को कीमत ज्यादा नहीं है। भक्ति द्वारा जब किया जाता है भगवान उसको प्रेम से ग्रहण करते, बहुत प्यार से खिलाया, भगवान का संतोष हो गया, नहीं तो हम लोग का बहुत संतोष हुआ। अभी तुम लोग घर में वापस जाओ, आप क्या बोलते हैं? ऐसा डिस्टर्ब बात नहीं बोलना, हम लोग वापस से टिकट करके नहीं आया, रिटर्न टिकट करे नहीं आया, जैसे हम लोग आया ना पहले रिटर्न टिकट कर लिया, उसके बाद ब्रज में आया, रिटर्न टिकट करा वहां श्याम के पास आए, चला जाएगा आगे पहले टिकट करे, हम लोग वापस से टिकट करके नहीं एकदम आ गया। हम लोग जाने से भी हमारा प्रति हम लोग को ग्रहण नहीं करेंगे, उनके आज्ञा के खिलाफ करके हम लोग आ गए। देखो ब्राह्मण पत्नियों के जंगल में नहीं रहा, तुम लोग का कोई डर नहीं है, तुम लोग का पति तुम लोग को ग्रहण करेगा तब भी जंगल में नहीं रहना, नहीं वो लोग बोल दिया तुम आगे खिलाफ करके जा रहे हो एकदम जाओ, हम लोग वापस नहीं जाएंगे, यहां रहेंगे आपका साथ भी नहीं जाएंगे, जब आप इधर आएंगे दूर से देखेंगे। नहीं नहीं बात नहीं, मेरी आज्ञा है तुम लोग वापस जाओ, तुम लोग ग्रहण करेगा, जंगल में नहीं रहना। जब भगवान कहते मेरी आज्ञा है, आज्ञा तो तोड़ नहीं सकता है, तब ब्राह्मण पत्नी सब रोती रोती वापस आ रहे। इधर में क्या हो गया, जब शुद्ध भक्त के पास कुछ द्रव्य आ जाते हैं भगवान की सेवा करते हैं उनका क्या फल है देखिए, तो ब्राह्मणों का मन परिवर्तन हो गया। इसलिए हम लोग का सनातन धर्म विचार से जो कन्या जब शादी करती है पति का हो जाती है, वही कन्या जब सेवा किया कृष्ण बलराम को उसका फल मिल गया, अपना पति का मिल गया, और जो चीज से सेवा किया वो चीज तो पति का ही है, ब्राह्मण पत्नी का पति का है, इसलिए वो ब्राह्मण को स्वीकृति हो गया। जब स्वीकृति हुआ उनका दिल साफ हो गया तो वो लोग अफसोस कर रहा है। हम लोग कृष्ण वल्लभ के उद्देश्य में हवन कर रहा है, कृष्ण अपने भक्तों को भेजा मैं भूखा हूं, हम लोग का वो अकेल नहीं हुआ साक्षात कृष्ण वल्लभ का दर्शन करने के लिए उनकी सेवा करने के लिए, और जो हमारा पत्नी है उनका कोई गुण नहीं है, वो बाहर नहीं घूमता है,
तो वेदज्ञ भी नहीं है, मंत्र तंत्र तद्विधि नहीं है, वो उनको शूद्र माना जाता है, उनको जन्म ही नहीं होता है, इन जन्म नहीं है। वो लोग कैसे पहचान लिया, हम लोग के इतना गुण रहे तो भी नहीं पहचाना, तो हम लोग के गुण रहने से क्या फायदा हुआ। दिग जन्म से विद्यन दिग वर्तन दिग भोगन दिग पुनम दिग क्रिया अध्यक्ष विमुखा जी तो अध्यक्ष जी अध्यक्ष कृष्ण का विमुखा भाई है, हमारा तीन जन्म का धिक्कार है, ये तीन जन्म मिलने से क्या फायदा हुआ। वेदज्ञता का क्या फल हुआ, बाहर में हम घूमते हैं स्त्री लोग अंदर में रहते, वो बाहर में घूमते बहुत बाहर का ज्ञान है, उसमें क्या फल हुआ। मंत्र तंत्र विधा है, श्रेष्ठ कुल में है, स्त्री को शूद्र माना जाता है, उनको जरूरी नहीं होता, वो लोग कैसे समझ लो। हमारा ये सबको धिक्कार है। उस समय ब्राह्मण सब वापस आए, जो आया ब्राह्मण सब उनको प्रणाम किया, तुम लोग का हो भाग है, तुम लोग कृष्ण भगवान के दर्शन की सेवा दिए, हम लोग का भाग नहीं। क्यों हुआ, कारण क्या है, ब्राह्मण का इतना गुण रहते हैं भी नहीं समझा, उनका गुण नहीं है बाहर का गुण, लेकिन समझ लिया कैसे, वो जो कुटिया है, कुटिया का बगल में बगीचा है, अभी भी है, हम लोग देखता नहीं। भगवान का भक्त कृष्ण भक्त मालिनी वहां पर आके फूल तोड़ती थी, फूल का हार बनाती और कृष्ण का महात्म कीर्तन करके रोती, भक्त का मुख से भगवान का महात्म छोड़ने के लिए ब्राह्मण पत्नी का मौका नहीं, वहां कुटिया में रह के सुनते थे, सुनते सुनते उनका आत्मवृत्ति जागरण हो गया, जब विष्णु कृष्ण बलराम आ गया तभी उनका आहुति की भक्ति आ गई और तुम दौड़ा। बाहर का गुण नहीं है, सत्य साधु का संग किया, वो संग से ऐसा हो जाता है भक्त का संग। यहां पर हम लोग देखा सब माता जी लोग बहुत खाने का चीज ले आते, ले आके सबको खिलाते, इस बार कोई कुछ नहीं लाया, वो ये बूंदिया ये तो गोकुल महावर चलाया, गोकुल महावर चलाया, अपना क्या है आपको गंगा जल का गंगा पूजा करने के लिए। अभी ये प्रोफेसर जागृत पत्नी वाइफ ऑफ द ब्राह्मण्स वी हैव गॉट एनफ एक्सपीरियंस ऑफ सैक्रिफाइसेस, they have enough knowledge of mantra, incantation, mantra. But although they have got many qualities, worldly qualities. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. वृंदावन का मठ श्री चैतन्य गौड़ी मठ वृंदावन, वृंदावन में श्री गुरु महाराज जी आ पहुंचे हैं। अब वृंदावन के जो धाम जो तीर्थ दर्शन है वो कल से जहां पर प्रारंभ होंगे।
विनोदवाणी गौड़िया मठ है कालियाध स्थित। विनोदवाणी गौड़िया मठ में श्री गुरु महाराज अभी पदार्पण करेंगे। मठ के जो मठ रक्षक हैं योगेश्वर प्रभु, वो सभी ब्रह्मचारियों को लेके हाथ में पुष्प चंदन लेके श्री गुरु महाराज जी का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। हरे कृष्ण। आप मेरे से महिष्मी बात
क्या बोले उसका बाद वहां पर बाद में देखा यहाँ पर कोई भूल जा रावण का विश्व कर दिया हम लोग तो सुना नहीं था अगली बार दुखी हो गए करेंगे और जैसे चलाएंगे मदन मोहन जी का प्राचीन मंदिर है यहां पर श्री गुरु महाराज जी बाद में अभी आएंगे Oh,
সেখান থেকে রাজমূর্তি করলি যাক, জয়পুরে গিয়েছিল সেখান থেকে করলি। এই জন্য এখানে আমরা সেবা করি, আমাদের সনাতন গোস্বামী সেবিত, এরপরে সনাতন গোস্বামী সমাধি মন্দিরে আমরা যাব। তো আই শ্যাল স্পিক ব্রিফলি ইন হিন্দি, ইন বেঙ্গলি এন্ড ইংলিশ অলসো, আফটারওয়ার্ডস ইন ইংলিশ। ये जो है, ये जो स्थान पर आए हैं, ये हमारा पूर्व गुरु सनातन गोस्वामी जो भूषण सिंह पात्र का प्रधानमंत्री थे, महाप्रभु को देख के संसद छोड़ के आ गया और बहुत तीव्र भैरव के साथ भजन करते थे। वो जहां पर गोकुल महावन में हम लोग रमन नृत्य में गया, कोई मदन गोपाल मदन मोहन को वहां मदन मोहन उनका प्रेम से प्रकाशित हुआ, वही मदन मोहन के लिए या विशाल मंदिर किया, स्वयं तो माधुरी करके भिक्षा करके खाते थे, उनका विशेष सेवा की व्यवस्था किया। जैसे गोविंद जी मंदिर के रूप गोस्वामी, ऐसे मदन मोहन मंदिर किया। लेकिन औरंगजेब जब हुआ बहुत अत्याचार किया, वो मंदिर को टूटा दिया। गोविंद जी मंदिर 7 मंजिल था, अभी 3 मंजिल है। तो अब यहां से मूर्ति को लेकर भाग गया कहां पर, भरतपुर में, वहां पर मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ मंदिर है। भरतपुर राजा इतना शक्तिशाली नहीं थे, जो उनका जब मुसीबत आ गया तो वहां से मूर्ति लेके भाग गया जयपुर में। जयपुर का राजस्थान का जो राणा प्रताप बहुत शक्तिशाली थे, और जयपुर में रहा। फिर जयपुर का महाराज के कन्ना से प्रेम से वशीभूत होकर मदन मोहन करौली में गया। गोविंद जी अभी जयपुर में है, गोपीनाथ भी जयपुर में है, मूल विग्रह गोस्वामी का सब जयपुर में आपको मिलेगा। इसलिए यहां पर आने से हम लोग बैठते हैं, मदन मोहन की कृपा प्रार्थना करते। बाद में वो मंदिर को जब अपवित्र कर दिया तो यहां पर यही मंदिर बना, यहां पर प्रतिभु मदन मोहन है। यहां का जो पंडा है, अब यहां का पंडा नहीं है, उनको नहीं देख रहा है, शायद उनको खबर नहीं दिया होगा, कोई बाहर में चला गया होगा। हम लोग उनके सेवा के लिए कुछ देते हैं तो हम यहाँ रख देंगे, जब वो आएगा उनको दे देंगे, ऐसा है। दिस प्लेस यू हैव टू नो सनातन गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी बाद के, सनातन गोस्वामी बाद के, श्री सनातन गोस्वामी बाद के, श्री सनातन गोस्वामी बाद के। Thank you.
for original dream. Every day we remember in our perceptual life, Sanatana Goswami. Sambandha Gyana Prada, Sanatana Goswami, your son, gives the knowledge of relation to Supreme Lord Sri Krishna. नियम से मन जो कीर्तन है वह यहाँ करने के सनातन कृष्ण का पाठ पढ़ लेने उनका पूर्ण समाधि में बैठ के करना चाहिए, इसलिए आध्यात्मिक क्रीड़ा हम लोग यहाँ पर याद करेंगे. मूल मंदिर मदन गोपाल